जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इंडियन आर्मी के डबल ए डी के बारे में, यानी कि आर्मी एयर डिफेंस के बारे में। ये इंडियन आर्मी का एक एक्टिव कोर है और इंडियन आर्मी का कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है। एक्चुअली आर्मी में इस एयर डिफेंस का काम क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम है इंडियन आर्मी के एयर स्पेस को एनिमी से डिफेंड करना। आर्मी एयर स्पेस क्या होता है, एक्चुअली आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो आर्मी जब किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में एंगेज होता है तब ये एयर डिफेंस वाले सोल्जर्स एक बैकअप की तरह उनको प्रोटेक्ट करता है। ये सारी चीज बाय एयर होती है। इंडियन आर्मी का एयर डिफेंस एक लिमिटेड ऊंचाई तक ही इंडियन आर्मी को डिफेंड कर सकता है। वो 5000 फुट के नीचे से शुरू होकर 8000 फुट तक जनरली होता है। आज आर्मी एयर डिफेंस में लगभग 85,000 सोल्जर्स और 6,000 ऑफिसर्स मौजूद है। आर्मी एयर डिफेंस का शुरुआत किया गया था इन द ईयर ऑफ 1939, जब इंडिया में ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश ने इस एयर डिफेंस का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर टू के समय में भारी तादाद में की। और भारत के स्वतंत्रता के बाद आर्मी एयर डिफेंस भारत के द्वारा लड़ी गई सभी युद्ध में अद्भुत वीरता और पराक्रम की परिचय दिया है। जब आर्मी कोई भी बड़े ऑपरेशन में जाती है तब पीछे उसके बैकअप बनकर रहता है आर्मी एयर डिफेंस। 1947 से लेकर के 1999 के कारगिल तक स्वतंत्र भारत के सभी युद्ध में एयर डिफेंस ने लड़ाई लड़ी है। इस कोर के पर्सनल्स को ट्रेनिंग देने के लिए आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज का भी स्थापना किया गया। ये गोपालपुर कैंटोनमेंट उड़ीसा में स्थित है। इसमें उनकी बेसिक एयर डिफेंस की ट्रेनिंग और 2 महीने की एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाती है। आर्मी एयर डिफेंस के कुल 56 यूनिट्स भी है, जैसे 252 पैराशूट यूनिट, 128 एडी मिसाइल रेजिमेंट, 27 मिसाइल रेजिमेंट और भी बहुत सारे। फिलहाल आर्मी एयर डिफेंस का कमांडिंग ऑफिसर है लेफ्टिनेंट जनरल सुनील पुरी गोस्वामी, जो 1 जुलाई 2021 से आर्मी एयर डिफेंस को कमांड कर रहे हैं। आशा करता हूँ आज आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मी एयर डिफेंस क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।